नमस्ते दोस्तों, दीपक ऑटो सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये हीरो की पैशन है, पैशन प्रो। इसकी सेल्फ काम नहीं कर रही है, ये देख रहे कट कट की साउंड आ रही है, कट कट की साउंड आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ में करंट जा रहा है और सेल्फ काम नहीं कर रहा, मतलब रिले काम कर रहा। तो मैं सेल्फ को बाहर से खोलूँगा, और बाहर से खोलने के लिए सबसे पहले मुझे वो साइड से एक स्क्रू खोलना होगा, जो सेल्फ में जो करंट जाता है उसे खोलना होगा। तो चलिए मैं वो साइड जाकर इसका स्क्रू खोल लेता हूँ। ये देख रहे ये सेल्फ में स्क्रू लगा हुआ है, एक वायर लाल कलर का। तो हम इसे खोल लेते हैं छोटा स्क्रू ड्राइवर से। और इसे खोलने से क्या होगा कि हम कार्बन का होल्डर को बाहर खींच लेंगे आसानी से। तो इसे सबसे पहले यही खोला जाता है, सबसे पहले हम ये खोल के वायर को अलग कर लेंगे। ये स्क्रू है और हम ये वायर को बाहर निकाल देते हैं। ये स्क्रू वायर बाहर निकल गया, अब हम सेल्फ को खोलेंगे। तो सेल्फ खोलने के लिए सबसे पहले हम इसका कवर पीछे निकालेंगे बाहर। तो इसके लिए हमें 2 T-बोल्ट और 3 स्क्रू खोलने होंगे। तो चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ। सबसे पहले हम स्क्रू लूज़ करेंगे, तीनों स्क्रू को लूज़ करेंगे। तीनों स्क्रू लूज करेंगे और फिर 8 T-बोल्ट हम खोलेंगे। 2 T-बोल्ट होते हैं, एक खोलेंगे, उसमें एक ग्रीन वायर लगा हुआ होता है जो कि बॉडी अर्थ होता है सेल्फ का। ये तीनों स्क्रू हमने लूज कर दिया, अब हम 3 T-बोल्ट को लूज करेंगे। सारे स्क्रू और बोल्ट को हम बाहर निकाल लेंगे। इसे भी बाहर निकाल देता हूँ, इसमें एक वायर लगा हुआ होता है। चाबी ऑन होगा तो ये स्पार्क करेगा, चाबी ऑफ रखें। और अब इसे बाहर निकाल लेते हैं, ये बाहर निकल गया मैग्नेट। अब हम क्या करेंगे, इसका आर्मेचर को बाहर निकालेंगे, ये आराम से बाहर निकल जाएगा। ये निकल गया, इसका आर्मेचर सही है। और इसका ये कार्बन देख रहे हैं, कार्बन इसका ख़राब हो गया, एक टूट गया है और दूसरा घिस गया। तो हमें इसका कार्बन चेंज करना होगा। तो 2 स्क्रू इसका हम खोलेंगे। चलिए हम दोनों स्क्रू को खोल लेते हैं। ये दोनों स्क्रू, एक स्क्रू में कार्बन लगा हुआ रहता है और एक बॉडी में टाइट होता है जो कि होल्डर को कस कर रखता है बॉडी में। तो दोनों स्क्रू को हम खोल लेते हैं। दोनों स्क्रू खोलकर हमने कार्बन को बाहर निकाल दिया और हम पूरा होल्डर को खींचेंगे, कार्बन होल्डर को। ये देख रहे हैं ये बाहर आ गया, और हम कार्बन होल्डर को निकाल लेंगे बाहर। कार्बन बाहर आ गया और इसमें 2 एडेप्टर लगा हुआ होता है ताकि कार्बन बॉडी में ना सटे, दोनों साइड लगा हुआ होता है। अगर सटा हुआ तो ठीक है, नहीं तो उसे ठीक से लगा देंगे ताकि वह गिरे ना। और अब हम न्यू कार्बन इसमें डालेंगे, देख रहे दोनों लगा हुआ, ये न्यू कार्बन है और एक पुराने वाली। तो इसे हम लगाएंगे, अंदर से लगाएंगे और हल्का सा इसे घुमा देंगे ताकि ये लॉक हो जाए। इसे हल्का सा ये घुमा दिया हमने, ये लॉक हो गया और ये बॉडी में टाइट होगा। चलिए अब इसे हम लगा देते हैं। ये पत्ती जो है ये रबर में घुसेगी और वो साइड से बाहर निकल जाएगी, ये आराम से लग जाता है, बस इसे पुश कर देंगे हम। ये लग गया और ये फिटिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्रू को कसेंगे, ये साइड स्क्रू कसेंगे और वो साइड हम कार्बन के साथ में स्क्रू को कसेंगे। तो चलिए हम इसे कस लेते हैं। ये स्क्रू लगाकर और वाशर लगाकर, अंदर साइड से वाशर और वो साइड भी हम टाइट करेंगे। चलिए हम इसे टाइट कर लेते हैं, वाशर बाहर में लगा हुआ है। अक्सर हम सेल्फ का कार्बन चेंज करने के लिए सेल्फ खोलते हैं, लेकिन प्रो में सेल्फ हम नहीं खोलते हैं, बाहर से ही चेंज हो जाता है ये, और आप 10 मिनट में इसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे लगा ही लेते हैं। ये टाइट हो गया, ये चिपक जा रहा है स्क्रू ड्राइवर में।
ये टाइट हो गया स्क्रू, दोनों स्क्रू टाइट चेक कर लेते हैं। दोनों स्क्रू टाइट हो गया, अब हम इसमें दो स्प्रिंग लगाएंगे और कार्बन को होल्डर में डालेंगे। दोनों होल्डर में दोनों कार्बन लगेगा और ये दो स्प्रिंग हमने पुराना वाला ही यूज किया, नया वाला थोड़ा हार्ड है तो हम उसे नहीं लगाएंगे। दोनों साइड दोनों स्प्रिंग डालकर और कार्बन लगाकर और हम फंसा देंगे इसे ताकि आर्मेचर आसानी से चला जाए। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों कार्बन को फंसा देते हैं। देखिए एक साइड के कार्बन मैंने फंसा दिया है, ये निकल गया। चलिए फिर से लगाता हूँ इसे, ये साइड का फंस गया और ये साइड का भी फंसा देता हूँ मैं। ये दोनों साइड की कार्बन को हमने बॉडी में फंसा दिया है ताकि वो बाहर ना आए और आराम से आर्मेचर को हम डाल देंगे। ये आर्मेचर है, इसे हम आराम से डाल देंगे। ये एक बाहर निकल गया, हम पेचकस से इसे अंदर की ओर ले लेंगे। एक साइड का सही है, एक साइड का बाहर निकल गया तो हम इसे पेचकस से थोड़ा सा अंदर की ओर धक्का देंगे तो आर्मेचर चला जाएगा। इसे हमने फंसाया था वो निकल गया, ये आसानी से चला गया, ये फिर से बाहर निकल गया, ये चला गया थोड़ा सा। और दोनों साइड का देख लेता हूँ, ये देख रहे हैं आर्मेचर चला गया। ये ध्यान रखेंगे कार्बन दोनों साइड से अच्छी तरह से लगा हुआ होना चाहिए। और अब दोनों वायर को ऊपर कर लेंगे ताकि बॉडी में सटे ना, ताकि बॉडी में सटेगा तो ये शॉर्ट करेगा। अब हम इसका पीछे का कवर को लगा देते हैं, मैग्नेट को लगा देते हैं, थोड़ा साफ़ कर लेंगे, अगर ज़्यादा गंदा है तो साफ़ कर लेंगे, नहीं तो ऐसे ही लगा देंगे। और इसे हम आराम से लगाएंगे और इसके सारे बोल्ट को हम कस देते हैं। अब एक 8 का T बोल्ट में ग्रीन कलर का वायर लगा हुआ होता है जो बॉडी अर्थ होता है, उसे साथ में टाइट करेंगे और बाकी 3 स्क्रू और 2 8 का T बोल्ट सभी को हम टाइट कर लेंगे। चलिए हम इसे टाइट ही कर लेते हैं। सभी को बराबर बराबर टाइट कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में सबको एक साथ कस देंगे। ये हमने टी बोल्ट भी कस दिया और सारे स्क्रू को हम चेक कर लेंगे। ये सब लग गया, सारे स्क्रू को हमने कस दिए। चेक कर लेता हूँ सारा स्क्रू हमने लगा दिया। अब हम इसका वो साइड का स्क्रू लगा देंगे जो मेन स्क्रू है, जो रेड कलर की वायर है जिसे हमने खोला था फर्स्ट में, उसे हम स्क्रू को लगा देंगे। चलिए इसे हम लगा देते हैं, ये टाइट हो गया, छोटे पेचकस का इस्तेमाल होगा इस जगह पर। चलिए ये टाइट हो गया, ये बॉडी में टच नहीं करना चाहिए। अब हम इसे स्टार्ट करके देखते हैं, और चाबी फंस रहा है इसका, ये ऑन हो गया, ये हो गया स्टार्ट। तो कार्बन हम बाहर से ही लगाते हैं, देख रहे हैं ये स्टार्ट हो गया। कार्बन जब भी हम लगाते हैं पैशन प्रो में बाहर से ही लगाते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तभी हम खोलते, उधर चैन वगैरह या रोलर बैरिंग वगैरह ख़राब हो जाता है। तो ये कार्बन जिसे हमने चेंज किया, अगर आपके पास टूल्स है तो आप घर में भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।